नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी Q&A में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में फिजिकल मेटलर्जी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुँचते रहे। और दोस्तों अपना फ्रेंड और यार से ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, रिक्रिस्टलाइजेशन इज द निक्लियेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्री क्रिस्टल फ्रॉम द कोल्ड वर्क मेटल्स। द रिक्रिस्टलाइजेशन रेट डेस विथ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज लीनियरली, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली या डिक्रीज लीनियरली। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। रिक्रिस्टलाइजेशन इज द न्यूक्लियेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्री क्रिस्टल फ्रॉम द कोल्ड वर्क मेटल्स। द रिक्रिस्टलाइजेशन रेट डेस विथ राइज इन टेम्परेचर। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट पर्सनिंग टू द लॉ ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन ए, द हायर इज द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क द हायर इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑप्शन बी, द लिनियर द फाइनर इज द इनिशियल ग्रेन साइज द लोअर इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क एंड डिक्रीजिंग इनिशियल ग्रेन साइज प्रोड्यूस फाइनर रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन। या डी, higher is the temperature of cold working the less is the strain energy stored in the metal and consequently higher is the recrystallization temperature. Sahi answer hai option A, the higher is the amount of cold work the higher is the recrystallization temperature. नेक्स्ट है दोस्तों, रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ प्रोसेस रेफर टू द माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन हीटिंग ए कोल्ड वर्क मेटल। इन ऑल दिस फेनोमेनन ए चेंज इन डेस इज इन्वॉल्व। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंपोजिशन बोथ ए एंड बी या नेदर एंड नॉर बी। सही आंसर है ऑप्शन डी, नेदर एन और बी। रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ प्रोसेस रेफर टू द माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन हीटिंग ए कोल्ड वर्क मेटल। इन ऑल दिस फेनोमेनन ए चेंज इन डेस इन्वॉल्व। सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ऊपर का कोई नहीं है। नेक्स्ट है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्री क्रिस्टल फ्रॉम द कोल्ड वर्क मेटल इज टर्म एज रिकवरी। बी, ग्रेन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द एवरेज ग्रेन साइज फ्लोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। या रिहीटिंग ऑफ मार्टेनसाइट टू हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परिंग। अबेनाइट इज एन एक्सट्रीमली फाइन मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड कार्बाइड। सही आंसर है ऑप्शन ए, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्री क्रिस्टल फ्रॉम द कोल्ड वर्क मेटल इज टर्म एज रिकवरी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टील आर adopted for reducing residual stress and minimizing the tendency for cracking. Mark tempering, os tempering या both A and B या neither and nor B। सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B। Which of the following heat treatment process of steel are adopted for reducing residual stress and minimizing the tendency for cracking? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी, मतलब मार्टेम्परिंग एंड ऑस्टेम्परिंग।
नेक्स्ट है, इन केस हार्डनिंग ऑफ स्टील इट्स सरफेस इज मेड वेयर रेसिस्टेंट, कोर बिकम हार्ड, कोर बिकम ब्रिटल या सरफेस इज मेड सॉफ्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरफेस इज मेड वेयर रेसिस्टेंट। इन केस हार्डनिंग ऑफ स्टील इट्स सरफेस इज मेड वेयर रेसिस्टेंट। नेक्स्ट है, ए स्टील कंटेंट्स 0.65% कार्बन, इट्स सरफेस हार्डनिंग विल नॉट बी जनरली डन बाय इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग या एनी ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोराइजिंग। ए स्टील कंटेंट्स 0.65% कार्बन, इट्स सरफेस हार्डनिंग विल नॉट बी जनरली डन बाय कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग नहीं किया जा रहा इसीलिए कि इसका तो पहले से ही कार्बन का परिमाण ज़्यादा है। तो नेक्स्ट दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अचीव द स्लोवेस्ट सरफेस हार्डनिंग, लेजर हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या ऑल अचीव सेम हार्डनिंग। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लेजर हार्डनिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अचीव द स्लोवेस्ट सरफेस हार्डनिंग, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लेजर हार्डनिंग। नेक्स्ट है, द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज विद द अपीयरेंस ऑफ परलाइट, मार्टनसाइट, ऑस्टेनाइट या सीमेंटाइट। सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टनसाइट। द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज विद द अपीयरेंस ऑफ मार्टनसाइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कार्बाइड इन स्टील, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनियम या मैंगनीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, निकेल। निकेल का भी कार्बाइड फॉर्मिंग नहीं करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कार्बाइड इन स्टील, सही आंसर है निकेल। नेक्स्ट दोस्तों, डैश इज द बेस्ट सुइटेड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टील, केस हार्डनिंग, सब जीरो ट्रीटमेंट, ऑस्टेम्परिंग या एनिलिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टेम्परिंग। डैश इज द बेस्ट सुइटेड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टील, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टेम्परिंग। नेक्स्ट दोस्तों, सब जीरो ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इंड्यूस टेम्पर ब्रिटलनेस, रिड्यूस द रिटेन ऑस्टेनाइट इन हार्डन स्टील या मेक्स इट यूजबल इन सब जीरो टेम्परेचर रीजन या नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस द रिटेन ऑस्टेनाइट इन हार्डन स्टील। सब जीरो ट्रीटमेंट ऑफ स्टील रिड्यूस द रिटेन ऑस्टेनाइट इन हार्डन स्टील। नेक्स्ट दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेनन ऑफ स्लिप बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द मेटल डिफॉर्म प्लास्टिकली, ट्विनिंग, फ्रैक्चर, स्टोन हार्डनिंग या डिसलोकेशन। सही आंसर है ऑप्शन डी, डिसलोकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेनन ऑफ स्लिप by which most of the metal deform plastically, सही आंसर है ऑप्शन डी, डिसलोकेशन। नेक्स्ट है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन occur when a body is subjected to non-uniform stress distribution, it may be caused by dash in the body, a hole or a notch, dimensional change, cross-sectional area change या None of these. सही आंसर है ऑप्शन ए, होल और ए नॉच। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन occur when a body is subjected to non-uniform stress distribution, it may be caused by dash in the body. सही आंसर है ऑप्शन ए, होल और ए नॉच। नेक्स्ट है, हार्डनिंग ऑफ स्टील कैन नॉट बी डन unless it is heated above the dash critical point, highest, lowest, middle या second and third। सही आंसर है ऑप्शन बी, lowest।
हार्डनिंग ऑफ स्टील कैन नॉट बी डन अनलेस इट इज हीटेड अबव द डेज क्रिटिकल पॉइंट, सही आंसर है लोएस्ट क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है, स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन एंड 100% परलाइट इज टर्म एज द डेज स्टील, यूटेक्टोएट, हाइपर यूटेक्टोएट, ऑस्टेनाइटिक या नान ऑफ डेज, सही आंसर है ऑप्शन ए यूटेक्टोएट स्टील। स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन एंड 100% परलाइट इज टर्म एज द डेज स्टील, सही आंसर है ऑप्शन ए यूटेक्टोएट स्टील। नेक्स्ट है, द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन फॉर्म्ड व्हेन ए स्टील पार्ट कंटेनिंग 0.2% कार्बन इज हीटेड अबव थर्ड क्रिटिकल पॉइंट इज टर्म एज द डैश स्टील, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, यूटेक्टोएट या क्रिटिकल, सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टेनाइटिक। ए सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन फॉर्म व्हेन ए स्टील पार्ट कंटेनिंग 0.2% कार्बन इज हीटेड अबव थर्ड क्रिटिकल पॉइंट इज टर्म एज यूटेक्टिक स्टील। नेक्स्ट है, ए स्टील पार्ट कंटेनिंग फेराइट एंड पेरलाइट इज हार्ड सॉफ्ट डक्टाइल या बोथ बी एंड सी, सही आंसर है ऑप्शन बी सॉफ्ट। ए स्टील पार्ट कंटेनिंग फेराइट एंड पेरलाइट इज ऑप्शन बी सॉफ्ट। नेक्स्ट है, फाइन ग्रेन स्टील आर ब्रिटल, लाइटर, डक्टाइल या प्रोन टू डिस्टर्शन, सही आंसर है ऑप्शन सी डक्टाइल, फाइन ग्रेन स्टील आर डक्टाइल। नेक्स्ट है, द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन फॉर्म व्हेन ए स्टील पार्ट कंटेनिंग 0.2% कार्बन इज कूल आफ्टर हीटिंग अबव द थर्ड क्रिटिकल पॉइंट इज टर्म एज द डैश स्टील, सीमेंटाइटिक, फेराइटिक, ऑस्टेनाइटिक या परलाइटिक, सही आंसर है ऑप्शन बी फेराइटिक। द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन फॉर्म व्हेन ए स्टील पार्ट कंटेनिंग 0.2% कार्बन इज कूल आफ्टर हीटिंग अबव द थर्ड क्रिटिकल पॉइंट इज टर्म एज द डैश स्टील, सही आंसर है ऑप्शन बी फेराइटिक। नेक्स्ट है, कोर्स ग्रेन स्टील आर नॉट प्रोन टू डिस्टर्शन, लाइटर, डेंसर या लेस टफ, सही आंसर है ऑप्शन डी लेस टफ। कोर्स ग्रेन स्टील आर, सही आंसर है ऑप्शन डी लेस टफ। नेक्स्ट है, फॉर एनी टाइप ऑफ स्टील द मैक्सिमम हार्डनेबिलिटी डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज, कार्बन कंटेंट, अमाउंट ऑफ एलोइंग एलिमेंट या नान ऑफ दिस, सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन कंटेंट। फॉर एनी टाइप ऑफ स्टील द मैक्सिमम हार्डनेबिलिटी डिपेंड अपॉन द कार्बन कंटेंट, कार्बन के ऊपर ही पूरा हार्डनेबिलिटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ए स्टील पार्ट कंटेनिंग 0.2% कार्बन व्हिच हैज बीन हीटेड अबव थर्ड क्रिटिकल टेम्परेचर इज कूल टू द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, इन दिस केस द ऑस्टेनाइट रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन इज ट्रांसफॉर्म टू ए न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड फेराइट, मार्टेनसाइट, परलाइट या सीमेंटाइट, सही आंसर है ऑप्शन सी परलाइट। ए स्टील पार्ट कंटेनिंग 0.2% कार्बन व्हिच हैज बीन हीटेड अबव थर्ड क्रिटिकल टेम्परेचर इज कूल्ड टू द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज इन दिस केस द ऑस्टेनाइट रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन इज ट्रांसफॉर्म टू ए न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड परलाइट। नेक्स्ट है, डेस इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी हार्डेंड स्टील, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट या परलाइट, सही आंसर है ऑप्शन सी मार्टेनसाइट। डेस इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी हार्डेंड स्टील, सही आंसर है ऑप्शन सी मार्टेनसाइट, मतलब हार्डेंड स्टील में मार्टेनसाइट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज द
one at which new spherical crystal first beginning to form from the old deformed ones. When a strange metal is heated, it depends upon the grain size, period to plastic deformation, severity of plastic deformation, a temperature at which plastic deformation occur, a D all of above. Say answer A, option D all of above. Recrystallization temperature is the one at which new spherical crystal first beginning to form from the old deformed one. When a strange metal is heated, it depends upon the grain size, period to plastic deformation, severity of plastic deformation, temperature at which plastic deformation occur. Say answer A, option D all of above. Next, material having dense lattice structure are usually the most ductile. FCC, ACP, BCC are none of these. Say answer A, option A, FCC, face center cubic. Material having dense lattice structure are usually the most ductile. Say answer A, option A, FCC. Next, austempering rigor result in the formation of dense structure. Martensitic, benitic, carburized, yeah, none of these. Say answer A, option B, benitic structure. Austempering process result in the formation of dense structure. Say answer A, option B, benitic structure. Next, martensitic process result in the formation of dense structure. Benitic, martensitic, yeah, both A and B, yeah, neither A nor B. Say answer A, option C, both A and B, matlab benitic and martensitic. Martensitic process result in the formation of say answer A, option B, benitic and martensitic structure. Next, surface hardness of about dash VPN can be achieved by nitriding operation. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 VPN, मतलब 1000 VCAR पिरामिड नंबर. सरफेस हार्डनेस ऑफ अबाउट डैश VPN कैन बी अचीव्ड बाय नाइट्राइडिंग ऑपरेशन. सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 VPN. नेक्स्ट है, ब्रासीजन एग्जांपल ऑफ इंटरमेटालिक कंपाउंड, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. ब्रासीजन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. नेक्स्ट है, कार्बन इन आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन या इंटरमेटालिक कंपाउंड या नॉन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. कार्बन इन आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. नेक्स्ट दोस्तों, केस हार्डनिंग कैन नॉट बी डन बाय नाइट्राइडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, साइनाइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग. सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. केज हार्डनिंग कैन नॉट बी डन बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नेक्स्ट, द साइज ऑफ कोर्स ग्रेन इन मेटल्स इज मोर देन डैश एम एम. सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.05 mm. द साइज ऑफ कोर्स ग्रेन इन मेटल इज मोर देन डैश एम एम. सही आंसर है 0.05 mm. नेक्स्ट, the crystal structure of a material can be studied by an electron microscope, x-ray diffraction, x-ray micro analyzer, or D all of above. Say answer A, option B, x-ray diffraction. The crystal structure of a material can be studied by x-ray diffraction. नेक्स्ट दोस्तों,
ऑस्टेनाइट इज ए डेस परसेंट कार्बन इन सॉलिड सॉल्यूशन, FCC आयरन विद मैक्सिमम 2%, BCC आयरन विद 1%, या BCC आयरन विद मैक्सिमम 0.025%, या नान ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन ए, FCC आयरन विद मैक्सिमम 2% कार्बन। ऑस्टेनाइट इज डेस परसेंट कार्बन इन सॉलिड सॉल्यूशन। सही आंसर है ऑप्शन ए, FCC आयरन विद मैक्सिमम 2% कार्बन। नेक्स्ट है, इन प्लेन कार्बन स्टील विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज फ्रॉम 0.2 to 0.8%, इट्स डेस डिक्रीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, विनाइल हार्डनेस नंबर, या परसेंटेज इलोंगेशन, या नान ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन सी, परसेंटेज इलोंगेशन। द प्लेन कार्बन स्टील विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज फ्रॉम 0.2 to 0.8%, इट्स परसेंटेज इलोंगेशन डिक्रीज। नेक्स्ट दोस्तों, हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ द हार्डन जोन इंड्यूस्ड बाय क्वेंचिंग, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑब्टेन बाय वीकर हार्डनेस टेस्ट, या एबिलिटी ऑफ द स्टील टू रेसिस्ट एब्रेशन, या वेयर एंड पेनिट्रेशन, या नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन ए, property which determine the depth of the hardened zone induced by quenching. Hardenability of steel is the property which determine the depth of a hardened zone induced by quenching. Next dosto, hardness of tempered martensite is about RC48, RC57, RC65, yeah, RC80. सही आंसर है ऑप्शन बी, RC57। हार्डनेस ऑफ टेम्पर मार्टेनसाइट लोअर विनाइट इज अबाउट RC57। नेक्स्ट है, डेस इज द सॉफ्टेस्ट एंड द लीस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, सीमेंटाइट, फेराइट, ऑस्टेनाइट, या परलाइट। सही आंसर है ऑप्शन बी, फेराइट। डेस इज द सॉफ्टेस्ट एंड द लीस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। सही आंसर है ऑप्शन बी, फेराइट। नेक्स्ट है, प्योर आयरन कॉन्टेंट्स 100% परलाइट एंड फेराइट, 100% फेराइट एंड सीमेंटाइट एंड फेराइट। सही आंसर है ऑप्शन सी, 100% परलाइट, फेराइट, सॉरी, प्योर आयरन कॉन्टेंट 100% फेराइट। नेक्स्ट है, Which of the following elements has very strong carbide forming tendency in steel? Silicon, nickel, vanadium, or chromium? Sahi answer hai option C, vanadium. Which of the following element has very strong carbide forming tendency in steel? Sahi answer hai option C, vanadium. Next, with 6.66% of carbon, we get the whitest and the hardest cast iron, which is wholly perlite, ferrite, cementite, and none of these. Say answer hai, option C, cementite. With 6.66% of carbon, we get the whitest and hardest cast iron, which is wholly cementite. Next, hypoeutectoid is still containing less than 0.85% carbon transform on cooling below 690 degrees centigrade into cementite and austenite, ferrite, perlite, and none of these. Sahi answer hai option B, ferrite. Hypoeutectoid is still containing less than 0.85% carbon transform on cooling below 690 degrees centigrade into cementite and ferrite. Next, match the various type of defect found in crystal. Vacant lattice site, list 1, vacant lattice site defect, parent in metallic, ceramic, and
पॉलीमेरिक मटेरियल या स्क्रू डिसलोकेशन एंड स्टैकिंग फॉल्ट लीड्स टू लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। तो वैकन लेटिस साइड्स इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, मतलब ऑप्शन टू आएगा ए। और डिफेक्ट प्रेजेंट इन मेटालिक सिरामिक एंड पॉलीमेरिक मटेरियल इसका नंबर आएगा लाइन डिफेक्ट, ये होगा बी। और सी स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर लाइन डिफेक्ट। और डी है स्टैकिंग फॉल, स्टैकिंग फॉल होगा सरफेस डिफेक्ट, ये हो गया डी। तो दोस्तों नेक्स्ट है मैच द क्रिस्टल लेटिस पैटर्न इन व्हिच वेरियस मेटल क्रिस्टलाइज। लिस्ट वन, लिस्ट टू, कॉपर, मोलिबोडनियम, जिंक, आयरन। लिस्ट हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, बॉडी सेंटर क्लोज क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक या बोथ बीसीसी एंड एफसीसी। तो इसका होगा ऑप्शन ए कॉपर। कॉपर का सही आंसर होगा फेस सेंटर क्यूबिक, मतलब ये हुआ ए। और मोलिबोडनियम, मोलिबोडनियम इसका होगा बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये होगा ऑप्शन बी। और जिंक्सी, जिंक्सी का होगा ऑप्शन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, ये होगा ऑप्शन ए, ये होगा ऑप्शन ए। और डी में है आयरन, आयरन होगा बीसीसी एंड एफसीसी ऑप्शन फोर, ये हुआ ऑप्शन डी। तो दोस्तों नेक्स्ट है मैच द कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन वेरियस आयरन एंड स्टील। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लेस देन 0.83, ये हुआ ए। और हाइपो यूटेक्टोइड कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जब आ रहा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री 224.3, ये होगा ऑप्शन बी, बी। और हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 0.83 से 2%, ये होगा सी। और हाइपो यूटेक्टोइड कास्ट आयरन इसका होगा ग्रेटर देन 8.4.3, मतलब 4, इसका आएगा 4.4 ऑप्शन। तो नेक्स्ट है दोस्तों मैच द रिलेवेंट टर्मिनोलॉजिस्ट इन द टू लिस्ट, लिस्ट वन, लिस्ट टू। हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अपीयरिंग ऑन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टेम्परिंग या हैज बॉडी सेंटर टेट्रागोनल क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। लिस्ट टू में है मार्टिनसाइट, बेनाइट, लिडोबराइट एंड सीमेंटाइट। तो इसका सही आंसर है ए, जिकी जा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर अपीयरिंग इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो इसका सही आंसर है सीमेंटाइट, ये होगा ऑप्शन एम। और क्या है यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री लिडोबराइट, ये होगा ऑप्शन बी। और बेनाइट, बेनाइट मतलब सी। स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय ऑस्टेम्परिंग, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय ऑस्टेम्परिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन टू, मतलब बेनाइट, ये होगा सी। और हैज बॉडी सेंटर टेट्रागोनल क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर, ये हो गया ऑप्शन ए मार्टिनसाइट, ऑप्शन डी।
मतलब एक नंबर का डी होगा। नेक्स्ट है, मैच द इफेक्ट ऑफ वेरियस एलोइंग एलिमेंट्स एडिंग इन स्टील। लिस्ट वन, बोरोन, कोबाल, टंगस्टन या सिलिकॉन। लिस्ट टू, इंक्रीज ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंट, इंक्रीज स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर और इंक्रीज रेड हार्डनेस, इंक्रीज हार्डनेबिलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बोरोन। बोरोन का सही आंसर है ऑप्शन 3-4, इंक्रीज हार्डनेबिलिटी। और कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का होगा ऑप्शन 3, जो कोबाल्ट है इसका होगा ऑप्शन 3, मतलब इंक्रीज रेड हार्डनेस। और जो टंगस्टन है, टंगस्टन का होगा ऑप्शन 2, टंगस्टन मतलब इंक्रीज स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। और सिलिकॉन, सिलिकॉन का होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस। बस। तो नेक्स्ट है, डेस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए हार्डन वैल्यू ऑफ अबाउट 1400 बिनियन हार्डनेस नंबर, फेराइट, परलाइट, सीमेंटाइट या नॉन ऑफ देज। सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंटाइट। डेस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए हार्डनेस वैल्यू ऑफ अबाउट 14 बिनियन हार्डनेस नंबर। सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंटाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेंचिंग क्रैक ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पार्ट में ओकर ड्यू टू द हीटिंग एट हायर टेम्परेचर फॉर लार्जर ड्यूरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफियर इनसाइड द फर्नेस, इरेगुलर मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द पार्ट, या डी ऑल ऑफ अबव। सही आंसर है ऑप्शन सी, इरेगुलर मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द पार्ट। क्वेंचिंग क्रैक ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पार्ट में ओकर ड्यू टू द, सही आंसर है ऑप्शन सी, इरेगुलर मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द पार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील पार्ट ड्यूरिंग इट्स हीट ट्रीटमेंट व्हिच इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन कैन बी मेंटेन बाय हीटिंग इन द मोल्टन सॉल्वेंट फर्नेस हैविंग नेचुरल और न्यूट्रल और रिड्यूसिंग एटमोसफियर या बॉक्सेस विथ यूज्ड कार्बोराइजिंग एजेंट और कास्ट आयरन चिप्स या डी ऑल ऑफ अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील पार्ट ड्यूरिंग इट्स हीट ट्रीटमेंट व्हिच इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन कैन बी मेंटेन बाय हीटिंग इन द मोल्टन सॉल्ट बेल्ट सरफेस हैविंग न्यूट्रल और रिड्यूसिंग एटमोसफियर एंड बॉक्सेस विथ यूज्ड कार्बोराइजिंग एजेंट और कास्ट आयरन चिप्स। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, हार्डनिंग बाय कार्बोराइजिंग इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 10 mm। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 mm। हार्डनिंग बाय कार्बोराइजिंग इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2 mm। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टेनाइटिक ग्रेन साइज ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इम्पार्ट्स इट लोअर इंटरनल स्ट्रेस, हायर टफनेस, लोअर हार्डनेबिलिटी या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन बी, हायर टफनेस। डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टेनाइटिक ग्रेन साइज ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इम्पार्ट्स इट्स हायर टफनेस। नेक्स्ट है, व्हिच प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्टेड टू ए स्टील पार्ट व्हेन इट इज हीटेड टू 730 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूल इन द फर्नेस इटसेल्फ एट द लोएस्ट पॉसिबल रेट। सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टनेस।
व्हिच प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पोर्टेड टू ए स्टील पॉट व्हेन इट इज हीटेड टू 730 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूल इन द फर्नेस इटसेल्फ एट द लोएस्ट पॉसिबल रेट से आंसर है सॉफ्टनेस. नेक्स्ट क्वेंचिंग क्रैक ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हीटिंग एट मिनिमम स्टेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर हार्डनिंग मेकिंग द पार्ट्स स्ट्रेस फ्री बिफोर सब्जेक्टिंग टू हीट ट्रीटमेंट या अवॉइडिंग शार्प प्रोजेक्शन एंड सडन ट्रांसिशन फ्रॉम थिक टू थिन सेक्शन या डी ऑल ऑफ अबव. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. क्वेंचिंग क्रैक ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हीटिंग एट मिनिमम स्टेबल टेम्परेचर रिक्वायर फॉर हार्डनिंग मेकिंग द पार्ट्स स्ट्रेस फ्री बिफोर सब्जेक्टिंग टू हीट ट्रीटमेंट या अवॉइडिंग शार्प प्रोजेक्शन एंड सडन ट्रांसिशन फ्रॉम थिक टू थिन सेक्शन. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट हाउ कैन द डिफेक्ट बी करेक्टेड इफ ए शीट पार्ट डेवलप्ड इफ ए स्टील पार्ट डेवलप्ड इन सफिशियंट हार्डनिंग आफ्टर क्वेंचिंग बाई रीहीटिंग द पार्ट इन ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर फ्लोड बाई क्वेंचिंग बाई एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग फ्लोड बाई हार्डनिंग बाई रिमूविंग द स्केल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पार्ट या डी एदर ए बी और सी. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाई एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग लोअर बाई हार्डनिंग. क्या बोल रहे हैं हाउ कैन द डिफेक्ट बी करेक्टेड इफ ए स्टील पार्ट डेवलप इन सफिशियंट हार्डनिंग आफ्टर क्वेंचिंग. तो सही आंसर है ऑप्शन बी बाई एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग फ्लोड बाई हार्डनिंग. तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.